Assalamualaikum and hello everyone. जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत शदीद धूप है और हमारी आँखें भी खुलने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ज़िंदगी को अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते रहते हैं, जैसे कि ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, ज़िंदगी हवाओं की तरह है, ज़िंदगी एक सफ़र की तरह है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें ये पानी देखकर, ये पूल देखकर हमें एक ख़याल आया कि ज़िंदगी तो इस पानी की तरह भी है, बल्कि हमें इस पानी से कुछ सीखना चाहिए कि हम हमारे ज़िंदगी में कैसे डिसीजंस लें, हमारे ज़िंदगी में कैसे फ़ैसले करें। जैसे कि ये पानी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। देखिए, अभी यहाँ पर है तो इसका फॉर्म ऐसा है, और जब हम इस पानी को हमने हमारे हाथ में लिया तो इसने हमारे हाथ का शेप ले लिया, इख्तियार कर लिया। तो इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में हमारे डिसीजंस को सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा, हमारे फ़ैसलों में वक्त और हालात के हिसाब से तब्दीली होना ज़रूरी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी वैल्यूज़ को बदल दीजिए। आपकी वैल्यूज़ तो ही बताती हैं आप कैसे इंसान हैं और आप कौन हैं। आप डिसीजंस हालात और वक्त के हिसाब से लीजिए, लेकिन अपने वैल्यूज़ को मत बदलिए। सो वन ऑफ माई मैसेज टुडे इज़ बी लाइक वाटर, जो वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से तब्दील हो जाए, बदल जाए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।